हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन भावना मिश्रा पांडे इंग्लिश क्लासेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर द थर्ड लेवल फ्रॉम योर बुक विस्टास. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेटर वॉल्टन ब्रेडन जैक फिने, चाइल्डहुड नेम जॉन फिने, वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1911 एंड डाइड ऑन November 14, 1995. He was an American author. His best known works are science fiction and thrillers. So, उन्होंने जो भी अपनी लिखी गई उनकी फिक्शन हैं, जो भी लिखे गए works हैं, उनमें mainly science से related fictions हैं या thrillers हैं, और adventurous वर्क इंक्लूड है बहुत ज़्यादा, जिसमें कि मेन द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन इनके वेल नोन वर्क्स हैं, बहुत ही फेमस वर्क्स हैं. द फॉर्मर वॉज द बेसिस फॉर द 1956 फिल्म इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स एंड इट्स रीमेकर्स. सो लेट्स सी द कैरेक्टर्स. चार्ली, मेन कैरेक्टर इज चार्ली. ही वॉज 31 ईयर ओल्ड मैन. Louisa was Charlie's wife, and Sam, Charlie's friend, he was a psychiatrist. Okay, so first of all let's see the introduction of this chapter, then we will go for the detailed analysis. So let's start. The third level is about the harsh realities of war. So war एक बहुत ही ऐसी चीज है जो अपना बहुत ही irreversible इफ़ेक्ट पीपल पे डालती है, बहुत ही ज़्यादा. वॉर हैज़ irreversible consequences, उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत डेडली होते हैं, thus leaving people in a state of insecurity. And वॉर्स की वजह से पीपल में बहुत सारी insecurities आ जाती हैं, बहुत सारी anxieties आ जाती हैं, they feel insecure. It is also about modern day problems and how common man tends to escape reality by various means. And chapter किसके बारे में है? बहुत सारी modern problems के बारे में है. And common people कैसे बच के निकलना चाहते हैं life की realities से, कैसे उन problems को face नहीं करना चाहते. They actually चैप्टर की मेन थीम एस्केपिज्म है. एस्केपिज्म का मतलब होता है जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी रियल लाइफ कंडीशंस हैं, जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, उनसे क्या करना, बच के भागना. एस्केपिस्ट एटीट्यूड कहलाता है ये. इन द स्टोरी अ मैन नेम्ड चार्ली हेल्यूसिनेट्स. हेल्यूसिनेट्स मीन्स भ्रम होना किसी चीज़ के बारे में, विच इज़ नॉट रियल. कोई भी चीज़ जो सही नहीं है, हम उसके बारे में हमको भ्रम होता है, हमको मन में ये होता है दैट सीम्स करेक्ट, वो लगती है हमको सही, लेकिन हमको उसके बारे में अल्यूजन होता है, भ्रम होता है. एंड रीचेज द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज़ टू लेवल्स. अब ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है थर्ड लेवल के बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके थर्ड लेवल के बारे में ये स्टोरी है. बट उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल दो ही लेवल्स थे, एंड इनको एल्यूजन होता है, हेल्यूसिनेशन होता है कि ये कहाँ पहुँचे हैं, ये थर्ड लेवल पे पहुँच गए हैं. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड चार्ली who experience something weird, कुछ अजीब सा उनको experience होता है. One day after work coming from the subway, he reached the third level of the Grand Central Station, which does not actually exist. तो one day when he was coming back from his office work, from the subway से जब वो निकल के वापस आ रहे थे, तो where did he reach? He reached ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे, जबकि देयर वॉज नो एनी थर्ड लेवल, वहाँ पे दो ही लेवल्स थे, फर्स्ट एंड सेकेंड. ही रिमिनिशेस द एंटायर एक्सपीरियंस विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम.
तो वो ये सारा एक्सपीरियंस जो था किससे शेयर करते हैं, ही इंडल्स इन एंजॉयबल रिकलेक्शन ऑफ दिस पास्ट इवेंट विद हिज फ्रेंड। जो ये रिकलेक्शन था, ये याद थी, किससे शेयर की उन्होंने, अपने फ्रेंड सैम से, हु वॉज अ साइकेट्रिस्ट। चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस्ड टाइम ट्रैवल एंड हैड रीच्ड समवेयर इन द 1890s, अ टाइम बिफोर द वर्ल्ड सॉ टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलीस्ट वॉर्स। तो अब चार्ली सोचता है कि ये एक्सपीरियंस पुराने टाइम का है, एंड वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो किसी एंशियंट टाइम में पहुँच गए हैं, एंड वो एंशियंट टाइम, पुराना टाइम कौन सा है, 1890s का टाइम है, जिस टाइम दो बहुत ही डेडलीस्ट वॉर्स हुए थे। और वो ये सोचते हैं, कौन, चार्ली सोचते हैं कि वो अपने उस टाइम पे, पुराने टाइम पे कहीं पहुंच गए हैं। एज सून एज ही रियलाइज्ड व्हाट टाइम ही इज इन, जैसे ही उनको रियलाइज होता है कि वो कौन से टाइम में है, ही इमीजिएटली, कि क्या टाइम है, ही इमीजिएटली डिसाइडेड टू बाय टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, वन फॉर हिमसेल्फ एंड द अदर वन फॉर हिज वाइफ। जब उनको ये एहसास होता है कि वो कहाँ है, वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको दो टिकट्स लेनी है, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, कि क्या टाइम है, अब उनको गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना है, और वो दो टिकट्स लेने वाले हैं, किसकी, वन फॉर हिमसेल्फ एंड अदर वन फॉर हिज वाइफ। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वॉज डिफरेंट, एंड उनको ये फील होता है, वो ये सोचते हैं, अनलकीली जो करेंसी वहाँ पे यूज़ होती थी उस पुराने टाइम में, वो करेंसी उनके पास अभी नहीं है। सो दस द नेक्स्ट डे ही विदड्रू ऑल हिज सेविंग्स एंड गॉट देम कन्वर्टेड इवन इफ इट मीन्ट बियरिंग लॉसेज। So the next day, the first thing he did, what was that? He took out his savings from the bank. Bank से उन्होंने वो सारी savings निकाल ली, अपनी जितनी भी उन्होंने saving की थी अपने 31 years के career में, and he converted that currency into ancient currency. अब हम ancient की कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो बहुत costly होती है. So what did he do? He gave his total savings इन कन्वर्टिंग, चेंजिंग, चेंज करवाने में, कौन सी करंसी उनको चाहिए थी, एंशियंट करंसी, जिसके मन में उनको हेल्यूशिनेशन था कि उन्होंने कोई थर्ड लेवल देखा, एंड उस थर्ड लेवल के बारे में वो डिस्क्राइब भी करते हैं कि वहाँ पे पीपल की जो ड्रेस थी दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, जब वो नोट्स देने लगे तो जो करंसी उन्होंने देखी दैट वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट, और वहाँ पे जो स्पिटिंग के लिए जो बॉक्स टाइप पड़े थे दोज वर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उन्होंने उस जगह का, उनके मन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज थी, बहुत ज़्यादा वरीज थी, तो अपने आप को क्या करने के लिए, उन सार एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड था उनके मन में, उन वरीज से अपने आप को बचाने के लिए, शायद उनके मन में क्या था, एक हेल्यूसिनेशन हो रहा था कि वो किसी पुराने टाइम में पहुंच गए हैं इस टाइम से अपने आप को बचाने के लिए। सो व्हाट डिड ही डू, ही वांटेड टू गो इन दैट टाइम, ही वेंट लुकिंग फॉर थर्ड लेवल बट फेल्ड टू फाइंड इट, एंड उसके बाद वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, बार बार उस जगह पर जाके देख रहे थे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, कि वहाँ पे जाके उनको क्या हो, कोई वो वापस से वो थर्ड लेवल मिल जाए तो वो वहाँ पे एंटर करें। बट अनफॉर्चुनेटली थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इट वरीड हिज वाइफ एंड द साइकेट्रिस्ट सैम, who told him that he is hallucinating in order to take refuge from reality and miseries of the modern world which is full of worry. So ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद, लुइजा जो कि उनकी वाइफ हैं एंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम हैं, उन दोनों को, लुइजा को एंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम दोनों को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि ये किसी हेल्यूसिनेशन की स्टेट में है, एंड क्या करना चाहते हैं, इस रियलिटी
वर्ल्ड प्रेजेंट टाइम की जो रियलिटीज़ है उससे क्या करना चाहते हैं, एस्केप होना चाहते हैं, बच के भागना चाहते हैं. मिजरीज़ का मतलब होता है सॉरोज़, एंड द सॉरोज़ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द सॉरोज़ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ वरी, जो किससे भरा हुआ है, एंगजाइटीज़ से, वरीज से, चिंताओं से. चार्ली दस रिजॉर्ट्स टू हिज स्टेम कलेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ व्हेन सडनली वन डे ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली. सो अब क्या हुआ था रिसेंटली, अब चार्ली को जब सब ये कह रहे थे कि ही इज हेल्यूशिनेटिंग, देन वॉट डिड ही डू, he wanted to distract himself, अपना ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे. he wanted to distract himself from that third level. so what did he do, उन्होंने अपने stamp collection की तरफ जाने के बारे में सोचा कि अपना उनका जो stamp collection था, बहुत सारी tickets का उन्होंने collection कर रखा था, तो वो क्या सोच रहे थे, इस ticket को, tickets के collection को वापस से देखा जाए. तो suddenly He came across a letter from his friend Sam, और वो कई दिन से गायब थे. So, मतलब recently उनसे नहीं मिले थे. Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of third level and how that he is there himself. So now, this letter was written by Sam. And what was written over there? कि वो बहुत दिन से third level के बारे में सोच रहे थे, लेकिन थर्ड लेवल पे अब वो खुद ही पहुंच चुके हैं. ही एनकरेजेस चार्ली एंड लुइजा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, एंड उसमें लिखा गया था क्लियरली कि आप भी, चार्ली एंड लुइजा को एड्रेस करके लिखा गया था कि नेवर लूज होप एंड नेवर स्टॉप कंटिन्यूसली, आप उसको ढूंढते रहना, किसको, थर्ड लेवल को. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. In the next video, we will discuss all the question answers, all the short answer type, additionals, everything we will do. Now, bye-bye.